अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक, आप भी ठीक होंगे? ला ला करके स्नो जैकेट तो से जान छुट्टी अभी फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए। तो आज तो मैंने एक कोट पहन लिया, ये बड़ा ज़बरदस्त कोट है, बड़ा लॉन्ग कोट है, कंफर्टेबल भी है। तो ये मिसागा में ये फूड स्ट्रीट है ज़्यादातर, यहाँ पे हम मिसागा में यहाँ पे सारे देसी खाना मिल जाता है, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत से भी रेस्टोरेंट। तो बारिश तो अभी चल रही है, खैर कोई बात नहीं, हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी थी, खड़ी हो गई है गाड़ी। अब हम जाएंगे अपने खाने के लिए रेस्टोरेंट में, तो बस ये है। और फिर मैंने कहा चलो, आज मेरा दिमाग में ना एक हफ़्ते से न्यारी बसी थी कि मैं न्यारी खाऊंगी न्यारी खाऊंगी, बस वही दिमाग पे चढ़ी हुई थी। तो मैंने तो न्यारी का ही फट से कह दिया, भाई मुझे तो न्यारी रोटी मंगवा देना। तो मैं आराम से डलते डुलते हम लोग पहुँच गए शेफ जी, और मोबाइल को मैंने अपने पॉकेट में अंदर छुपाया हुआ था, क्योंकि वो पानी में रह रह के वीडियो बना बना के थोड़ा गीला हो गया था, तो मुझे खदशा था कि ख़राब नहीं हो जाए वो। तो मैं उसे ड्राई करने के लिए अपनी कोट की जेब में अंदर की तरफ टाल पकड़ के खड़ी थी, रगड़ रही थी ताकि उसका वेटनेस ख़त्म हो जाए। देखें ये अंदर ज़बरदस्त किस्म का इसका डेकोरेशन हुआ हुआ है, और कुछ नहीं, शेफ जी लिखा था, खाने पीने मसालों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और दो प्लांटदार, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों की गुंजाइश है इसमें। किचन है और बाकी सब चीज़ें हैं जैसे, लेकिन आप खा सकते हैं, ज़्यादातर तो लोग मंगवा ही लेते हैं घर में। देखिए भाई, यहाँ से बैठ के बाहर का नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं देख सोच रही थी कि देखो कितना खूबसूरत पुरसकून लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। और बस फिर हमने अपना ऑर्डर मंगवा लिया, हमने कहा चलो। अब मैं सोच रही थी कि क्या इंसान कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला इंसान को रिस्क कहाँ कहाँ भेज देता है, किस किस की तरह भेजता है, ये तो परवरदिगार को ही पता है। कभी कभार ज़िंदगी की इन चीज़ों को सोचने से, ऑब्जर्वेशन करने से वही चीज़ें समझ में कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं समझ भी आती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है ना वो बेहतरीन होती है। बस अल्लाह की मर्ज़ी अगर होगी जिस काम में, आप दुआ ज़रूर मांगें लेकिन अगर वो आपकी मर्ज़ी में होगी तो आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो ये नहारी हमारी आ गई, और ये जो है ना दाल है, ये गरम चने की दाल है और अच्छी बनी हुई है, और ये निहारी है। अबे नली निहारी, नली निहारी, मुझे तो खैर निहारी साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन नली निहारी का भी ऑर्डर कर दिया था, वो प्लेट अभी आई नहीं है, शायद क्या चक्कर है, भूल गया। खैर हमने तो अपना खाना शुरू कर दिया था भाई, तो मैंने तो दाल में थोड़ा साइड में दाल और निहाई रखी अपनी रोटी, मुझे ख़त्म करनी थी। मैंने कहा और रोटी बहुत ज़बरदस्त होती है, पता नहीं गरम गरम होती है ना तो क्रिस्पी मैनेजर क्रिस्पी साहब बबल भी होता है मुस्तकिल कह रहे उसमें, थे आप मील का तो पुलाव बस अभी ट्राई हमने करेंगे, कहा। तो पुलाव, तो मेरे बेटे ने मील का पुलाव भी मंगा लिया, पुलाव भी सही था नॉर्मल, इससे अच्छा तो पुलाव मेरा बेटा कहने लगा मम्मी आपको आता है बनाना। मैंने कहा मेरा पुलाव ये भी अच्छा है, लेकिन मेरा पुलाव डिफरेंट तरीके का होता है और मैं वाकई में पुलाव अच्छा बना लेती हूँ। तो खैर पुलाव इसका भी अच्छा था, तो हमने फिर इसका पुलाव, मैं तो ये अच्छा पराठा बड़ा ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा, तो सबने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मंगाई थी, लच्छेदार पराठा भी अच्छा था, बिल्कुल पठान का पराठा नहीं होता है कराची में होटलों पे वैसा था। अच्छा अभी नली न्यारी आ गई जी है, तो अब इसको भी तो उतनी निवाले और बोटी तो चखना है ना, मस्त है ना, अगर नहीं खाऊंगी तो फिर बुरी बात होगी, ज़्यादती होगी ना। तो मैं कहा चलो लाओ ये भी खा लेते, खाने के बाद जो हशर नशर हुआ मेरा, मैं तो फौरन टंकी सवार हो गई, नींद ऐसा गलबा सा आ रहा था, बेचारा वहीं पर बैठ के सो जाऊँ, और आंखें मेरी बंद भी हो रही थी, मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी, मुश्किलों से बात कर रही थी और दिल चाह रहा था बस सो जाऊँ। खाने के बाद मुझे होता है इतना हैवी खाने के बाद मेरी तो भाई नींद फौरन आने लगती है, मुझे तो बैठे बैठे नींद आने लगती है। चलें जी फिर बाद